हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की एक खास सीरीज रेड जोन, और ये देखिए भारत का नक्शा है और रेड जोन में आज हम बात करेंगे अब महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए जोन के हिसाब से अगर आप देखेंगे यहां पर तो 14 जिले अभी रेड जोन में हैं, वहीं 16 जिले ऑरेंज जोन में आ चुके हैं और बस 6 ऐसे जिले हैं जो सेफ हैं यानी ग्रीन जोन में हैं। ये देखिए महाराष्ट्र की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मरीजों की संख्या 20,000 के पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में पूरे राज्य में 1165 नए मामले सामने आए हैं। इससे भी बड़ी चिंता की बात तो यह है कि 24 घंटे में 48 लोगों की जान चली गई है और सबसे ज्यादा मार यहां के पुलिस कर्मियों पर पड़ती नजर आ रही है। जेल के भीतर तैनात पुलिसकर्मी भी चपेट में आ गए। आप देखिए जितेंद्र दीक्षित की एक खास पड़ताल। रेड जोन में आने वाले जिलों में मुंबई, पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, नागपुर जैसे राज्य के बड़े शहर हैं। जैसे जैसे टेस्ट बढ़ रहे हैं मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। हाल के मुंबई के कुछ आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि 24 अप्रैल को 3,176 टेस्ट कराए गए थे जिनमें से 505 पॉजिटिव पाए गए। 5 मई को 2,783 टेस्ट कराए गए थे जिनमें से 823 पॉजिटिव पाए गए। शुक्रवार रात तक पूरे महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 19,063 हो गई, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 731 हो गई है। इन लगातार बढ़ रहे आंकड़ों के पीछे महाराष्ट्र सरकार की सफाई ये है कि चूंकि महाराष्ट्र में टेस्ट सबसे ज्यादा हो रहे हैं इसलिए यहां पर मरीजों की संख्या भी ज्यादा नजर आ रही है, और अब इन आंकड़ों में बड़ी तादाद पुलिस कर्मियों की है। कोरोना वायरस लगातार फ्रंट लाइन वॉरियर्स को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मुंबई की आर्थर रोड जेल देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी अजमल कसाब से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन जैसे कुख्यात गैंगस्टरों के साथी इस जेल में रखे जा चुके हैं। इतने खतरनाक कैदियों की मौजूदगी की वजह से इस जेल की सुरक्षा हमेशा चाक चौबंद रही है, लेकिन इसके बावजूद ये कोरोना की घुसपैठ को नहीं रोक सकी। कोरोना अदृश्य दुश्मन है जिसे जेल की चौड़ी दीवारें और संगीनों की सुरक्षा नहीं रोक सकती। इसी हफ्ते इस जेल के 77 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 26 जेल कर्मचारी भी कोरोना ग्रस्त हो गए। कैदियों और कर्मचारियों का मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में जहां पे करीबन 2800 कैदी उस जेल में हैं, उस जेल के एक बैरक में कोरोना का संक्रमण पाया गया। वहां पे मेडिकल जांच करवाई गई, उसमें 77 कैदी और 26 पुलिस कर्मचारी उसमें पॉजिटिव पाए गए। उनके आगे के इलाज के लिए उनको सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में भर्ती करने की प्रक्रिया चालू हो गई। कोरोना से सिर्फ जेल कर्मचारी ही प्रभावित नहीं हुए हैं, बल्कि इस वायरस ने उन खाकी वर्दी वालों को भी नहीं बख्शा है जो कि सड़क पर उतरकर लॉकडाउन पर अमल करवा रहे थे। लोगों को कोरोना से बचाने की जंग में ये लोग खुद ही कोरोना के शिकार होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें मुंबई के कुर्ला इलाके की हैं, जहां भीड़ की खबर मिलने पर भीड़ हटाने गए पुलिस कर्मियों को ही भीड़ ने घेर लिया। इन पुलिस कर्मियों को खुद यहां से सुरक्षित निकल पाना मुश्किल लग रहा था। और ये तस्वीरें मुंबई के डोंगरी इलाके से लॉकडाउन के शुरुआती दिनों की हैं। पुलिस की ओर से बार बार लोगों को घर में जाने का ऐलान करने के बावजूद उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। कृपा करके घर के अंदर रहिए, कोरोना वायरस से जो जंग हम लोग लड़ रहे हैं उसमें हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। इस इलाके के एसीपी अविनाश धर्माधिकारी जब गुस्से में भीड़ को भगाने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो उल्टा उनको घेर लिया गया। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि कोरोना काल में पुलिस किस तरह से कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रही है। पूरे राज्य में पुलिस पर हमले के 190 मामले दर्ज हुए हैं, जिनको लेकर 686 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 557 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब तक 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। मुंबई का जेजे मार्ग पुलिस थाना महाराष्ट्र का कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला थाना बन गया है। इस थाने से जुड़े 26 कर्मचारी कोरोना से प्रभावित हुए हैं।
पुलिस कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है भीड़ भरे इलाके और कंटेनमेंट जोन में उनकी ड्यूटी का लगना। मजदूरों की भीड़ को उनके राज्य वापस भेजने के लिए रेल स्टेशन तक छोड़ना हो या फिर शराब की दुकानें खुलने पर भीड़ नियंत्रित करनी हो, पुलिस कर्मी हर जगह तैनात रहते हैं। पुलिस कर्मी कैसे कोरोना की गिरफ्त में आ रहे हैं इसको समझाया है मुंबई पुलिस के ACP अविनाश धर्माधिकारी ने। JJMR पुलिस स्टेशन ये JJ हॉस्पिटल के अंदर ये वही प्रीमाइसेस में है। JJ हॉस्पिटल भले कोविड सेंटर नहीं रहेगा लेकिन वहां पे कोविड की टेस्ट की जाती है। उस टेस्ट के लिए काफी लोगों का वहां पे आना जाना होता है। वहां पे आरोपियों को भी टेस्ट के लिए लाया जाता है तो और वहां पे हमारा पुलिस वालों का भी आना जाना ज्यादा रहता है। आई थिंक वहीं से उसका इन्फेक्शन पुलिस वालों तक पहुंचा ऐसा हमारा प्राथमिक अंदाज है। बीते हफ्ते से ही मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए विशेष ट्रेनों का चलाया जाना शुरू हो गया है। वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था को बरकरार रखने के लिए कुछ पाबंदियों के साथ उद्योग धंधे को फिर से शुरू किए जाने की बात चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर मजदूर ही नहीं रहेंगे तो फिर कामकाज कैसे शुरू हो सकेगा। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, ABP News, मुंबई।